Assalamualaikum dear viewers, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. वेलकम टू माई चैनल राणा शाहरुख ऑफिशियल, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब व्यूअर्स ठीक है। आज इस वीडियो के ज़रिए एम एस सी एग्ज़ाम सरगोधा यूनिवर्सिटी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2023 है उसकी डेट शीट शेयर करने जा रहा हूँ। तमाम व्यूअर्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की जानिब से एम ए एग्ज़ाम के हवाले से डेट पर जो एंटर करवाया था सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के हवाले से, उनके इम्तहान जो हैं 16 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तमाम व्यूअर्स अपने जो है सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, इस्लामिक जो है एमए कर रहे हैं, इंग्लिश एमए कर रहे हैं, इस दिए गई डेट शीट के मुताबिक अपने इम्तहानात को फेस करेंगे। सेकेंड जो एग्ज़ाम है वो 19 अगस्त 2024 है। एक बेनिफिट बता दूँ, इसमें जो है एग्ज़ाम में पेपर गैप बहुत अच्छा दिया है 5-6 दिन का, जिससे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के हवाले से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। और तमाम व्यूअर से गुजारिश है जनाब मोहतरम, इस डेट शीट के मुताबिक अपने सब्जेक्ट को देख लें, अपना एक डाइट चार्ट बना लें और इसी के मुताबिक अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो जनाब मोहतरम, इनका लास्ट पेपर जो है आई थिंक सो कि 30 अगस्त को लास्ट पेपर बन रहा है इन तमाम सब्जेक्ट का, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने बताया आपको कि छुट्टियाँ बीच काउंट की गई हैं। तो तमाम व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा, अच्छी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करने के बाद इम्तहान को फेस करें और कोशिश करें कि किसी अच्छे सीनियर की राय लें। इसके अलावा जो है वाइवा एग्ज़ाम के हवाले से भी अपडेट कर दूँ, तो वाइवा एग्ज़ाम के हवाले से भी डेट शीट दी गई है। और जनाब मोहतरम, ये जो डेट शीट है ये MA MSc पार्ट वन के स्टूडेंट्स की है, ठीक है। और पार्ट वन के स्टूडेंट्स के मैं मैसेज के साथ आपको ये बता दूँ कि जिनका वाइवा एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम की भी डेट शीट दे दी गई है। तो तमाम व्यूअर रेडी हो जाएं जी, अगस्त के लास्ट जो है वो वीक तक आप लोगों के एग्ज़ाम रहने हैं और आप लोगों का वाइवा एग्ज़ाम रहना है। और इस हवाले से जो है आप अपने मुतल्लिका सीनियर से राबता कर लें और अपनी तैयारी का जो आपका सेक्शन है उसको आप देखें। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट जो एग्ज़ाम फेस करने के हवाले से कोई इशू रखते हैं, वीडियो पर कमेंट करें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी राय जो है ना वो दी जाएगी। नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाजम पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब